हेलो दोस्तों, मैं प्रकृति। आप सभी का मेरे चैनल सरकारी सोर्स में स्वागत है। दोस्तों, LTTE के रिजल्ट की बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों, हम सभी लोग एक हफ्ते से वेट कर रहे थे कि किस सब्जेक्ट का रिजल्ट आएगा, कब तक रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों, रिजल्ट आ चुका है LTTE का, और संस्कृत विषय का रिजल्ट आया है। तो आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है और हमारे लिए भी खुशखबरी है कि फाइनली संस्कृत विषय का रिजल्ट आ गया। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि मेल एंड फीमेल की दोनों ब्रांच के लिए रिजल्ट आया है, और देखते हैं कौन कौन सिलेक्ट हुए, कितने लोग इसमें सिलेक्ट हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो में आगे। और वीडियो में आगे चलने से पहले बढ़ने से पहले मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर भी क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे फीमेल का रिजल्ट कि फीमेल में कितने लोग सिलेक्ट हुए। वैसे फीमेल में देखा जाए तो टोटल जो वैकेंसी थी फीमेल की 242 थी, और जो मेल्स की थी उनकी 274 वैकेंसी थी दोस्तों। तो ये देखिए, PDF ओपन हो चुका है दोस्तों, और इस PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड करके PDF को देख सकते हैं। ये मैं अभी स्टार्टिंग पर जा रही हूँ। ये देख लीजिए दोस्तों, असिस्टेंट टीचर संस्कृत फीमेल का ये रिजल्ट है, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ये, प्रयागराज ने ये आउट डिक्लेयर किया है रिजल्ट। और देख लीजिए, इसमें टोटल रोल नंबर दिया हुआ है और नंबर दिए हुए, और टोटल ये 242 वैकेंसी के लिए रिजल्ट है। एक बार हम चेक कर लेते हैं दोस्तों कि टोटल फुल वैकेंसी फीमेल की फिल हुई है या नहीं। जैसे कि पहले काफ़ी रिजल्ट जो आए हैं, दो तीन चार रिजल्ट, उनमें फीमेल की सीट सारी देखिए दोस्तों, इसमें 242 कम्प्लीटली फिल्ड हुई हैं सीटें इसमें। तो ये पूरी वैकेंसी है फीमेल की, और इन सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है जो लोग इसमें सेलेक्ट हुए। आप लोग अपना नाम देखिएगा, और प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का सिलेक्शन कितने कितने नंबर पर हुआ है, ताकि मुझे पता चले कि हमने जो प्रिडिक्ट किया था वो सही था या नहीं कट ऑफ। और आप लोग बताइएगा कितने कितने पर सिलेक्ट हुए हैं। तो और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई है मेरी तरफ से, जितने भी फीमेल्स ये लोग सिलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट इसमें। तो ये देख लीजिए, आप सभी के नाम इसमें दिए हुए हैं। मैं स्लोली स्क्रॉल कर रही हूँ, आप टेंशन मत लीजिएगा कि मैं बहुत फास्ट स्क्रॉल कर रही हूँ। मैं इसकी लिंक आपको डाउनलोड लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पिन कमेंट में दे दूँगी, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बहुत बहुत बधाइयाँ जो जो सिलेक्ट हो गए हैं, बहुत मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, फिर रिजल्ट आता है, वेट होता है कि सिलेक्ट होंगे या नहीं। तो उन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं वो लोग हताश ना हो, हम उठते हैं, मेहनत करते हैं, फिर हम कभी ना कभी एक ना एक दिन अपनी मंजिल को पा ही लेंगे। तो आप लोग उसके लिए मेरे से जुड़े रहें, और आपको टाइम टू टाइम सही वैकेंसी सही अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। तो आप लोग हताश ना हो, एक ना एक दिन आएगा और आप लोग भी सिलेक्ट होंगे। तो ये मेनली सभी लोगों के लिए 242 वैकेंसी है। अब चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि इसमें आपको नोट दिया हुआ है, उसे बाद में देखेंगे। तो पहले आप देख लेते हैं मेल्स में कौन और कितनी सीटें फिल्ड हुई हैं, क्योंकि मेल्स में 274 सीटें थी मेल ब्रांच की दोस्तों। तो ये रहा फीमेल मेल, एक सेकेंड कंफर्म कर लेते हैं। तो ये है मेल का, जी हाँ, असिस्टेंट टीचर संस्कृत मेल का रिजल्ट आया हुआ है। और इन सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ जो लोग सिलेक्ट हुए हैं। और आप लोग यहाँ पे अपना रोल नंबर डालकर नाम अपना चेक कर सकते हैं, और इस PDF की लिंक भी आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके अपना नाम आराम से देख सकते हैं। तो इसमें 274 वैकेंसी थी, तो एक बार देख लेते हैं कि कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा स्पीड से स्क्रॉल कर रही हूँ, बट आप लोग डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं अपना नाम। तो 274, आई थिंक मुझे इसमें भी लग रहा है कि इसमें सारी ही वैकेंसी फिल हुई हैं, क्योंकि फीमेल की भी सारी वैकेंसी फिल हुई थी। अभी 274 राधे श्याम उपाध्याय जी इसमें हैं, लास्ट में 242 पर। तो कम्प्लीटली सभी वैकेंसी फिल हो चुकी हैं, और आप मेल एंड फीमेल दोनों लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और आने वाले टाइम में। और देखते हैं कि आज आयोग ने एक रिज़ल्ट दिया है या फिर एक सेकेंड रिज़ल्ट भी आ सकता है क्या, तो उसका भी इंतज़ार रहेगा। तो अभी आज के वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ आप बने रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियोज़ को एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।